लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण भी आज खत्म हो गया। पहले के दो चरण और आज की वोटिंग को मिलाकर 283 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और बहुमत के लिए आंकड़ा होता है 272, यानी 272 के आंकड़े से और 11 ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। 272 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए और 283 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं, यानी बहुमत लायक आंकड़ा इन तीन चरणों को मिलाकर ईवीएम में बंद हो चुका है। लेकिन फिलहाल तो नरेंद्र मोदी इस रेस के फेवरेट माने जा रहे हैं और उनका टारगेट सिर्फ 272 नहीं बल्कि 400 का है। ये 400 सीटें उन्हें क्यों चाहिए ये भी आज पीएम ने क्लियर कट बता दिया और इसमें राम मंदिर की एंट्री कैसे हुई वो भी बताऊंगा। तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है पहले आपको वो बता देता हूं। तीसरे चरण के मतदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि सभी राज्यों में वोटर्स ने एनडीए पर भरोसा जताया है, लोगों ने हमारे विकास के एजेंडे पर भरोसा जताया है और पीएम मोदी ने कहा कि बुरी तरह इंडी गठबंधन हार रहा है, पुरानी वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से इंडी गठबंधन को हार मिल रही है। नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया है और देश को पीछे धकेलने वाली आर्थिक नीतियों की वजह से इंडी गठबंधन की बुरी तरह से हार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके तीसरे चरण के मतदान के बाद यह दावा किया है कि वो जीत रहे हैं और इंडी गठबंधन बुरी तरह हार रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे आज की वो तस्वीरें हैं जो तीसरे चरण की वोटिंग से आई। इसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले यह देखिए कि आज तीसरे चरण में वोटिंग हुई कहां कहां पर है। सबसे पहले यह देखिए कि गुजरात की सभी सीटों पर आज वोटिंग हो गई। कर्नाटक की बाकी बची जो 14 सीटें थी उन पर भी मतदान हो गया। यूपी में जाट लैंड के बाद इस चरण में यादव लैंड भी कवर हो गया। आज यूपी की जिन 10 सीटों पर वोट डाले गए उसमें यादव बहुल सीटें शामिल हैं। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर आज वोट पड़े, उसमें से 7 सीटें महाराष्ट्र की शुगर बेल्ट माने जाने वाली सीटें हैं। पिछले बार 11 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 8 सीटें, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम की 4 और बंगाल की 4 सीटों पर मतदान हुआ। दादर नगर हवेली की 1, दमन दीव की 1 और गोवा की 2 सीटें, यानी कुल मिलाकर 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण के पूरा होने के साथ ही कर्नाटक, गुजरात, असम, गोवा और छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, यानी करीब आधे से ज्यादा चुनाव कंप्लीट हो गया और बहुत लोगों को तनाव होगा कि चुनाव में क्या होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से रिलैक्स्ड दिख रहे हैं। मैंने जब उनका इंटरव्यू किया तो भी वो बहुत रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट दिख रहे थे और वही चीज आज भी नजर आई। चुनाव में आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत खास था क्योंकि आज प्रधानमंत्री को अपना वोट डालना था। प्रधानमंत्री आज गुजरात में अपना वोट करने के लिए डालने के लिए पहुंचे। पीएम ने सैफरन कलर की जैकेट और व्हाइट कुर्ता पहना हुआ था, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आए। जिस सीट पर पीएम मोदी वोट डालने के लिए गए वो गांधीनगर की सीट है और यहां से गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी एक सामान्य व्यक्ति की तरह पोलिंग बूथ में पहुंचे। वोट डालने से पहले पोलिंग ऑफिसर को आईडी कार्ड दिखाया, फिर उनकी उंगली पर स्याही लगाई गई और वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने पोलिंग बूथ से निकलकर उंगली में लगा स्याही का निशान दिखाया। वहां लोग पीएम मोदी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में जुट गए थे। पोलिंग बूथ से कुछ दूरी पर उन्हें देखने वाले जो उनके फैंस खड़े थे उनकी देखिए किस तरह से भीड़ थी नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। पीएम मोदी पैदल ही लोगों के बीच पहुंच गए और खुलकर लोगों से मिले, उनका अभिवादन किया, उन्हें ऑटोग्राफ भी दे रहे थे। जब भीड़ के बीच पहुंचे तो उन्होंने एक छोटे से बच्चे को भी अपनी गोद में उठाया और उसे खिलाते नजर आए। पीएम मोदी का यह अंदाज देख वहां मौजूद लोग और गदगद हो गए। वोट देने के बाद पीएम मोदी और अमित शाह काफी दूर तक इसी तरह पैदल चलिए देखिए, क्योंकि वो गुजरात से हैं और देखिए किस तरह से लोगों से उनका कनेक्ट है और यही बात लोगों को उनसे जोड़ देती है। गुजरात में अपनी पुरानी यादों को ताजा भी उन्होंने किया क्योंकि यहीं से पीएम मोदी और अमित शाह ने अपनी राजनीति की शुरुआत की। आज ये दोनों दिग्गज एक साथ अहमदाबाद की सड़कों पर पैदल निकले तो लोगों को वो दौर भी याद आ गया जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इन्हीं सड़कों पर एक कार्यकर्ता की तरह मेहनत की थी। आज पीएम मोदी वोटिंग के लिए गुजरात में थे। पीएम मोदी का परिवार गुजरात में एक साधारण परिवार की तरह रहता है। आज पोलिंग स्टेशन पर पीएम मोदी के बड़े भाई भी नजर आए। पीएम मोदी ने वोट डालने से पहले अपने बड़े भाई का पहले आशीर्वाद लिया, तब जनता का आशीर्वाद लेने के लिए गए। वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने यह भी बताया कि वो कैसे एक दिन में कितने सारे राज्य कवर कर रहे हैं, कितनी रैलियां कर रहे हैं, यानी एक तरह से पीएम मोदी ने मैसेज दिया कि उनका 400 सीटों का टारगेट पक्का है और वो इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे हैं, ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। एक बार प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि तीसरे चरण में
किसका पलड़ा ग्राउंड रिपोर्ट में भारी दिख रहा है। देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है, अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा, 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं, और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं, मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तीसरे चरण के दौरान 11 राज्यों में वोटिंग, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दों पर जनता ने मतदान किया। आपको पहले बिहार का हाल दिखाता हूं, जहां तीसरे चरण में 4 सीटों के लिए वोटिंग हुई। बिहार से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुद्दा तो जो काम करेगा उसको वोट करेंगे, वही है। झंझारपुर निर्वाचन आयोग है, जिसका काम अच्छा रहा उसको वोट करेंगे। किए हैं हम लोग, जैसे कि ये MP का चुनाव है तो राष्ट्रीय मुद्दा ही प्राइमरी रहता है, लोकल मुद्दा तो विधायक के चुनाव में या फिर मुखिया इलेक्शन में रहता है। तो वैसे हम लोग रामप्रीत मंडल जिससे जो अभी के सिटिंग MP हैं उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, मजबूरी बस मोदी जी के नाम पे ही वोटिंग हुआ है। हम लोग सारे युवा जो हैं इस बार संकल्पित हैं बदलाव के लिए, क्योंकि हमने पिछला 10 वर्षों का कार्यकाल देखा है, जिस विश्वास के साथ हम लोगों ने मोदी जी को चुना था उस विश्वास में वो खड़े नहीं उतरे हैं। जो मुद्दा था हमारा विकास से है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इतने विशिष्ट कार्य किए गए हैं, खास करके हमारे तरफ जो रोड से लेके इलेक्ट्रिसिटी तक, और खास करके जो गरीब तबके से जो लोग आते हैं जिनको 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड। मोदी जी को किस तरह से देखते हैं? अच्छा देखते हैं, हम लोग उन्हीं के नाम पर तो वोट देते हैं। अभी जो वो कुंजन मंडल खड़ा है उसको हम लोग थोड़े वोट दें, हम तो मोदी को हम लोग वोट दिए। कैंडिडेट नहीं है, मोदी का चेहरा देख के मोराल की चेहरा एकदम राइट। अच्छा, ये सेंटिमेंट कई जगहों पर सुनने को मिल रहा है कि कैंडिडेट कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट डाल रहे हैं। या लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सांसद हैं उनसे नाराजगी है लेकिन नरेंद्र मोदी को जिताना है इसलिए वोट डाल रहे हैं। कई लोग परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं वो आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं, ये बिहार में लोग क्या कह रहे हैं। इसी तरह आज मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोट पड़ा है, और MP में कैसे मतदान हुआ, जनता ने किन मुद्दों पर वोट डाला, भोपाल से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं, भोपाल में लोग क्या बोल रहे हैं। मतदान को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। राजधानी भोपाल में तो कम से कम वोटिंग प्रतिशत बेहतर है। अभी फिलहाल कई जगह पे कतारें लगी हुई हैं। जो देश की प्रगति करेगा वो उसको देना चाहिए वोट, नजर में प्रगति है नहीं, अभी 10 साल से ज्यादा हुई है। पहले से बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है और एजुकेशन में स्पेशली हुआ है, लेकिन अभी और भी बहुत सारा बदलाव होना बाकी है। कि मोदी जी जब से आए काफी कुछ सुधार हुआ है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि शायद और भी अच्छा सुधार होगा। डेवलपमेंट के मुद्दे हैं कि डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है और आगे और अच्छा हो, बस यही चाहत रहेगी हमारी। तो यानी मध्य प्रदेश में भी कई लोग डेवलपमेंट को मुद्दा मानकर वोट करते दिखे हैं। कईयों को लग रहा है कि भाई डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, इसको कंटिन्यू रखना है, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, इस तरह की बातें लोग कैमरे पर कर रहे हैं। उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस भी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका रिलैक्स मूड, ये सब बताता है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। वैसे भी तीसरे चरण को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि जिन 93 सीटों पर आज वोटिंग हुई है उसमें पिछले चुनाव में बीजेपी ने एक तरह से क्लीन स्वीप जैसा ही किया था। आज जिन सीटों पर वोटिंग हुई उनमें आपको 2019 का रिजल्ट बताता हूं, इन 93 सीटों पर 2019 में क्या हुआ था। तीसरे चरण की जो 93 सीटें हैं, 93 सीट, और इसका 2019 का रिजल्ट देखिए, 2019 में क्या हुआ था, इसमें बीजेपी ने 72 सीट जीती थी, 72 सीट, और कांग्रेस को मात्र 4 सीट आई थी, 4 सीट जीती। ये हाल था। अगर आज के इंडी अलायंस और NDA की तुलना की जाए तो 2019 में अगर आप देखिएगा कि NDA का क्या हाल था भाई, तो NDA को 2019 में 93 सीटों में से
75 सीट आई थी, 75, और जो आज का इंडिया अलायंस है उसको मात्र 8 सीट आई थी और अदर्स जो हैं उनको 10 सीट गई। तो यानी ये वो फेज है, तीसरा चरण, जो बीजेपी के लिए मैसिव जीत दर्ज करना और वहां मैसिव बड़ी संख्या में सीटें हासिल करने वाला है। अच्छा, सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं है, जिन 93 सीटों पर आज वोटिंग हुई है उसमें पिछले 3 चुनाव से बीजेपी ने अपनी ताकत लगातार बढ़ाई है, जबकि कांग्रेस का लगातार सफाया होता गया। 2009 में बीजेपी के पास 93 में से 47 सीटें हुआ करती थी, जो कि 2014 में बढ़कर 67 हुई और 2019 में बढ़कर 72 पर पहुंच गए, जबकि कांग्रेस के पास इन 93 सीटों में से 2009 में 27 सीट होती थी। नरेंद्र मोदी का चेहरा आया तो घटकर 9 रह गई और 2019 में घटकर 4 हो। अगर इन सीटों पर कांग्रेस की गिरावट का यही पैटर्न रहा तो 4 सीटें भी कांग्रेस के लिए बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर तीसरे चरण की 93 सीटों पर पिछले 3 चुनाव का वोट शेयर देखें तो भी बीजेपी काफी मजबूत नजर आती है। इन्हीं 93 सीटों पर, अगर आप 93 सीट पर वोट शेयर दिखाऊं, वोट शेयर क्या कहता है भैया, उससे भी बहुत कुछ पता चलता है। तो वोट शेयर अगर आप देखिएगा, 2009 का अगर आप देखिएगा, 2009 में बीजेपी का वोट शेयर, आपको बता रहा हूं, ये बीजेपी का वोट शेयर 32.46% था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो ये 32 से 11% बढ़कर सीधा 43.09% पे पहुंच गया। और जब 2019 में 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी उसके बावजूद ये 3% और बढ़कर 46.91%, मतलब ऑलमोस्ट 47% पे पहुंच गया। ये बीजेपी ने गेन किया। और कांग्रेस का क्या हाल रहा भाई, कांग्रेस का भी आपको हाल दिखाता हूं। कांग्रेस 2009 में इन 93 सीटों पर करीब 34% वोट पाती थी, 33.63%। 2014 में आप देखिए कांग्रेस जो है वो घटकर 27% के आसपास आ गई और 2019 में कांग्रेस घटकर करीब 25% पर आ गई। तो कांग्रेस लगातार गिर रही है और बीजेपी लगातार इन 93 सीटों पर बढ़ रही थी। और अभी भी लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो किस तरफ जा रही हैं चीजें, वो अंदाजा लगता है। बीजेपी किस तरह से तीसरे चरण की सीटों पर मजबूत है उसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ऐसी बहुत सीटें हैं जिन्हें एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार से बीजेपी जीत रही। आपको आंकड़े बताता हूं। तीसरा चरण 93 सीटों का है जिसमें लगातार 3 बार जो सीटें बीजेपी ने जीती हैं उनकी संख्या 42 है। ऐसी सीटें कांग्रेस के खाते में 1, सपा के खाते में 1 और एनसीपी के खाते में 2 रही, यानी 42 सीटें, 93 में से 42 सीटें बीजेपी 3 बार से जीत रही है। बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ तो गुजरात है। गुजरात की सभी 26 सीटों पर आज वोट पड़ गए। गुजरात में बीजेपी के लिए कोई चैलेंज ही नहीं है, वहां पर 1998 से बीजेपी की सरकार है। 2022 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में बीजेपी ने इतनी सीटें जीत ली थी जो गुजरात के इतिहास में किसी पार्टी ने नहीं जीती, यानी गुजरात में एक तरफा मामला बताया जा रहा है। आज गुजरात में बड़े बड़े लोगों ने वोटिंग की, अमित शाह ने भी अपने परिवार के साथ वोट डाला, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में वोटिंग की, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा पहुंचे थे अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए, बीजेपी विधायक रिबाबा ने भी अपना वोट डाला, उद्योगपति गौतम अडानी ने भी अहमदाबाद में वोटिंग की है, गौतम अडानी ने भी अपने परिवार के साथ वोटिंग आज करते हुए वो नजर आए। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और 2 चुनाव से लगातार सभी सीटें यहां पर बीजेपी जीत रही है। इससे पहले भी गुजरात में ज्यादातर सीटें बीजेपी ही जीतती थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा रहा तो क्लीन स्वीप होता रहा। क्योंकि अगर आप देखेंगे गुजरात की 26 सीटों में 2009 में 15 बीजेपी जीती, लेकिन 14 और 19 में 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में आ गई। जब इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर हो तो विपक्षी भी घबरा जाते हैं कि बॉस कुछ सीटें मिलेंगी या कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 2014 और 19 की लहर के में विपक्ष का इतना बुरा हाल हो गया था कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता अपना गढ़ नहीं बचा पाए। तीसरे चरण में भी विपक्ष के बड़े गढ़ दांव पर है। इनमें खास तौर पर यूपी में अखिलेश यादव और उनके परिवार का गढ़ शामिल है, क्योंकि तीसरे चरण में उन्हीं के इलाके में वोटिंग हुई है। अखिलेश यादव ने तो तीसरे चरण में पूरी ताकत लगा दी। आज अखिलेश यादव ने भी अपना वोट डाला, उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी वोट कास्ट किया, दोनों ने सैफई में मताधिकार का प्रयोग किया। तीसरे चरण में अखिलेश के परिवार के 3 लोगों की सीटें थी, इनमें मैनपुरी से डिंपल यादव थी, अखिलेश यादव की पत्नी है, बदायूं से आदित्य यादव थे जो शिवपाल यादव के बेटे हैं, और फिरोजाबाद से अक्षय यादव जो रामगोपाल यादव के बेटे हैं। इन तीनों के लिए आज वोट पड़े। तीसरे चरण की वोटिंग में यूपी में कुछ बवाल भी हुआ,
जैसे यूपी में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि आगरा कैंट में बूथ नंबर 319 पर पुलिस मुस्लिम मतदाताओं को धमकाकर वोट डालने से रोक रही है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी ने आंवला में भी वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। समाजवादी पार्टी ने लिखा कि आंवला के फरीदपुर में बूथ नंबर 195 पर मुस्लिम मतदाताओं को पुलिस परेशान कर रही है। समाजवादी पार्टी आरोप तो लगा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही नेता भी हंगामा कर रहे हैं। आप संभल की तस्वीर देखिए। संभल में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान और पुलिस में काफी देर तीखी कहासुनी हुई। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जियाउर रहमान की गाड़ी में चार लोग सवार थे और वो वोटिंग का जायजा ले रहे थे। इस बात को लेकर पुलिस ने आपत्ति दर्ज कराई। पुलिस का कहना था कि बिना अनुमति ये सभी लोग बूथ पर घूम रहे, काफी देर तक हंगामे का माहौल बना रहा। संभल में मतदान शांति के साथ हो गया हो और फर्जी वोटिंग न होने पाए, इसको लेकर पुलिस भी सख्त दिखी। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को बुलाकर समझाया भी कि जिनका वोट है वो बिना डरे वोट डालें, लेकिन अगर किसी ने फर्जी वोटिंग करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए एक बार। 7 तारीख का मतदान है तो आप अपना वोट डालें, उसके लिए हम तुम्हें नहीं कह रहे, पर ये फर्जी जो तुमने किया, जो और फर्जी डालना चाह रहे हैं, जो कुछ पहले दिन से आके यहाँ रुक जाते हैं वोट डालेंगे, तो उन्हें बता देना अब इस बार सख्त कार्रवाई होगी। मुस्लिम वोटर्स को लेकर इतना बवाल और हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि तीसरे चरण की कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का बड़ा प्रभाव है। जैसे जिस संभल की बात कर रहा हूं, वहां करीब 9 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। बदायूं में 3.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। आंवला में करीब 3.5 लाख, आगरा में मुस्लिम वोटर्स 3.25 लाख के करीब है। बरेली में 6,65,000, फतेहपुर सीकरी में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। लेकिन असली बवाल और असली हंगामा तो बंगाल में हुआ बॉस। तीसरे चरण में बंगाल में भी वोटिंग हो रही थी। इसमें मालदा में तो मतदान को प्रभावित करने के लिए बमबाजी तक हो गई। मालदा के रतुआ इलाके में एक पोलिंग स्टेशन के पास बम फेंका गया। देखिए, बंगाल अलग लेवल पे भाई, बम चल जाता है वहां। स्थानीय लोगों का कहना है कि दो लोग बाइक से आए और बम फेंककर फरार हो गए। आरोप है कि मतदाताओं को डराने के लिए बम फेंका गया, हालांकि बमबाजी से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जरा तस्वीर दिखाइए। इसी तरह से बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस ने टीएमसी पर बमबारी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है, जो इंडिया अलायंस में टीएमसी के साथ, कांग्रेस का आरोप है कि मतदाताओं को डराने के लिए तृणमूल कांग्रेस समर्थित लोगों ने कांग्रेस के क्षेत्रीय अध्यक्ष के घर पर बमबारी की। बंगाल के मुर्शिदाबाद में मतदान के दौरान कई बार बवाल देखने को मिला। मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ रहे सीपीएम प्रत्याशी मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाया कि पोलिंग बूथ के अंदर टीएमसी के 3-3 एजेंट मौजूद थे। लेफ्ट कैंडिडेट मोहम्मद सलीम के पोलिंग एजेंट को मारपीट के बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान वहां जमकर हंगामा हुआ। ये लोग गठबंधन में भाई, इंडिया अलायंस वाले, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नियमों के अनुसार पोलिंग बूथ पर एक कैंडिडेट का एक ही एजेंट रह सकता है। लेफ्ट का आरोप है कि टीएमसी मतदान में धांधली कर रही है। मुर्शिदाबाद से ये रिपोर्ट फिर आपको दिखाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि कहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। मुर्शिदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी का इस्लामपुर इलाका और पोलिंग स्टेशन 36, यहां पर जो लेफ्ट के कैंडिडेट है, सीपीएम कैंडिडेट मोहम्मद सलीम की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके पार्टी के जो एजेंट को यहां से निकाल दिया गया था, और तृणमूल कांग्रेस ने जो है यहां पर 3 डमी कैंडिडेट जो एजेंट है उनको रख दिया। यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके यही कैंडिडेट को या ये जो एजेंट है, पोलिंग एजेंट को इस पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया गया जबरन। और अभी देखिए यहाँ पर बातचीत हो रही है, खुद मोहम्मद सलीम जो कैंडिडेट है यहाँ पर पहुंचे हैं, वो जो पोलिंग एजेंट है उनको यहाँ पर निकाला जा रहा है। देखिए, खुद कैंडिडेट मोहम्मद सलीम उनको निकाल रहे हैं। दादा, क्या यही वो तृणमूल के एजेंट है? आप देखिए, टेंशन है। देखिए आप, पुलिस किस तरह से उस पोलिंग एजेंट को लेकर जा रही है यहाँ से। इन पर आरोप है कि इन्होंने सीपीएम के पोलिंग एजेंट का परिचय पत्र लेकर जो है वो यहाँ पर बैठे रहे, उनके पोलिंग एजेंट को यहाँ से निकाल दिया गया। यानी इंडी अलायंस वाले एक दूसरे के ही कपड़े फाड़ रहे। उधर मुर्शिदाबाद में बीजेपी और टीएमसी के बीच भी जमकर बवाल हुआ। मुर्शिदाबाद से बीजेपी कैंडिडेट धनंजय घोष ने आरोप लगा दिया कि टीएमसी के बूथ प्रेसिडेंट मतदाताओं को धमका रहे हैं।
जिसके बाद बीजेपी कैंडिडेट और टीएमसी बूथ प्रेसिडेंट के बीच जमकर कहासुनी हुई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के बूथ प्रेसिडेंट मतदाताओं का वीडियो बना रहे थे और बकायदा धमका रहे थे। सुनिए बीजेपी कैंडिडेट के आरोप को, फिर बताता हूं कि बंगाल में किन सीटों पर मतदान हुआ और जनता क्या बोल रही है, किस मुद्दे पर बंगाल में वोटिंग हुई है, पब्लिक के बारे में भी बताऊंगा। भाजपा हम पता सी हूं, उसको टीएमसी ब्लॉक सभापति डायरेक्ट हेट कर रहा है, बूथ एजेंट पोलिंग एजेंट का जगह में जो वोट केंद्र हो उस जगह में, आप सोच सकते हैं एक प्रत्याशी को जैसे ऐसा व्यवहार कर सकता है, जनगण का क्या कर सकते हैं। बंगाल में आज चार सीटों पर वोटिंग हुई है। इन चारों सीटों में मालदा उत्तर शामिल है, जो 2019 में बीजेपी ने जीती, और मौजूदा सांसद खगेन मुर्मू, इन्हें फिर से यहां पर टिकट दिया गया। इसमें मालदा दक्षिण है, यह कांग्रेस ने जीती थी 2019 में। बीजेपी की श्रीरूपा मित्रा चौधरी को 8000 वोट से हराया था। श्रीरूपा चौधरी को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है। जंगीपुर शामिल है, जो 2019 में टीएमसी ने जीती थी, और मुर्शिदाबाद सीट है, जो 2019 में टीएमसी ने जीती थी। यानी इन चार सीटों में एक बीजेपी, एक कांग्रेस और दो सीट टीएमसी के खाते में गई थी। इस बार मुर्शिदाबाद में जनता ने किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला है, जनता क्या सोच रही है, कैमरे पर क्या बता रही है, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। हम लोग का मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उसको देना पड़ेगा ना, जो हम लोग काम करने से काम करके कमाता है, पेंटर का कलर का काम करता है, ठीक है, तो अच्छा मैंने अभी 500 रुपया देता है, 600-700 होगा तो मेरा अच्छा लगेगा, वही तो इनकम बढ़ना चाहिए। हाँ, हम लोग इधर जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, उसने मैंने वो डाल के ही वोट दिया है। क्या कहा होना चाहिए, हम लोग ग्राम उन्नयन चाहिए और क्या चाहिए, वो हम लोग अच्छा रहेगा, ये सब चाहिए और कुछ नहीं। तो ग्राम उन्नयन में क्या क्या सोचते हैं, सड़के पानी, सड़के पानी है, सब कुछ होना चाहिए, सबको जरूरत है ना, सड़के पानी सब कुछ जरूरत है। 7 विधानसभा, 7 विधानसभा मिल के एक लोकसभा होता है, तो दो एक विधानसभा में बीजेपी को लीड मिल सकती है, लेकिन और जो 6 विधानसभा है उसमें तृणमूल एंड लेफ्ट कंटेस्ट करेगी। यानी मोटे तौर पर मुर्शिदाबाद में तो लग रहा है कि तृणमूल का पलड़ा भारी हो सकता है। तीसरे चरण में कई हॉट सीट हैं और कई बड़े नाम हैं जिनकी सीटों पर आज मतदान हुआ। इनमें गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सीट, पोरबंदर से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की सीट, गुना से उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट, और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से एमएसएमई मंत्री नारायण राणे, आगरा से स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी बघेल, उत्तर गोवा से पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक, धारवाड़ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी, उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो गया। ये 7 केंद्रीय मंत्री तीसरे चरण में चुनाव मैदान में। इनके अलावा 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी तीसरे चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह राजगढ़ से आज उनके लिए वोटिंग हुई है, कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई हावेरी से उनके लिए आज वोट पड़ गया है, और कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार बेलगाम से चुनावी मैदान में थे। यानी बहुत बड़े बड़े नाम जिनके लिए आज वोटिंग हुई है, लेकिन जिस सीट पर पूरे देश की नजर है वो सीट है महाराष्ट्र की बारामती सीट। ये सीट इसलिए हॉट सीट है क्योंकि यहां से शरद पवार की बेटी और अजीत पवार की पत्नी की टक्कर हुई है। यह सीट एनसीपी का गढ़ है। इस सीट पर शरद पवार का परिवार आमने सामने है। शरद पवार ने यहां से बेटी और मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले को उतारा। सुप्रिया को टक्कर देने के लिए अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को टिकट दे दिया है, इसलिए सीट की बहुत चर्चा हो रही है। बारामती में सुप्रिया सुले ने अपने पिता शरद पवार के साथ वोट डाला, लेकिन वोटिंग के बाद सुप्रिया सुले अचानक अजीत पवार के घर पहुंच गए तो सब चौंक गए। जब सुप्रिया सुले से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने अंकल आंटी से मिलने आई हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह। बारामती सीट से यह तय हो जाएगा कि शरद पवार की राजनीति का आगे क्या होगा, क्योंकि यहां पर वो अजीत पवार से हारे तो शरद पवार के लिए सब कुछ खत्म होने जैसा होगा, क्योंकि शरद पवार खुद बारामती से 5 बार सांसद रहे। 2009 में शरद पवार ने यह सीट अपनी बेटी को दे दी। पवार की बेटी सुप्रिया यहां से 3 बार से सांसद हैं। सुप्रिया सुले 2009, 2014, 2019 से यहां से जीती हैं, लेकिन इस बार पवार परिवार आमने सामने, इसलिए सुप्रिया सुले के लिए यह सीट निकालना आसान नहीं है, क्योंकि अजीत पवार का भी बारामती से गहरा कनेक्शन है। बारामती विधानसभा से अजीत पवार
सात बार के विधायक हैं, तो यह जबरदस्त लड़ाई है चाची और भतीजी के बीच। एक हॉट सीट मध्य प्रदेश की गुना भी है, जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़। गुना की सीट पर पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए थे, तब लेकिन वो कांग्रेस में थे। बाद में सिंधिया बीजेपी में आ गए और मध्य प्रदेश में जिस तरह से बंपर सीटों के साथ बीजेपी विधानसभा चुनाव जीती है, उससे सिंधिया के लिए ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए राह आसान बताई जा रही है। तीसरे चरण में मतदान कितना हुआ, अब यह भी आपको बता देता हूं। शाम 7 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत के बारे में पता चल रहा है, शाम 7 बजे 7 PM जो वोटिंग प्रतिशत है, 62% वोट शाम 7 बजे तक पड़ने की खबर आ रही है कि 62% वोटिंग हुई है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा क्योंकि कई जगहों पर अभी भी वोटिंग चल रही है। वोटिंग शाम 6 बजे तक होती है, यानी शाम 6 बजे तक आप लाइन में लग गए तो ठीक है, उसके बाद मौका नहीं मिलता। जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो अभी भी वोट डाल रहे हैं, इसलिए यह 62% से आंकड़ा अभी आगे जाएगा। तीसरा चरण इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इस चरण को मिलाकर अब तक 283 सीट पर वोट डाले जा चुके हैं, जबकि लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 सीट का है। शुरुआती दो चरण को लेकर बीजेपी का यह दावा है कि उसे 100 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, और अगर इस चरण में बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराती है तो उसकी करीब 170 सीटें मानिए कि लॉक हो चुकी। वहीं इंडी गठबंधन का दावा है कि 3 चरणों की वोटिंग में वो बीजेपी से आगे चल रही है। विपक्ष का एक तर्क कम वोटिंग को लेकर भी है, जिसे लेकर अब तक यही नैरेटिव फैलाया गया कि मोदी के वोटर शायद उदास हैं, निराश हैं, इसलिए वो वोट डालने नहीं निकले। लेकिन विपक्ष का यह नैरेटिव भी कमजोर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए पहले और दूसरे चरण को लेकर यह कहा गया कि वोट प्रतिशत काफी कम हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग का जो फाइनल आंकड़ा आया पहले फेज में 3% के आसपास और दूसरे फेज में 2.5% हुई कम वोटिंग। अब SBI की रिसर्च के मुताबिक 2019 के मुकाबले तो 2024 में ज्यादा वोट पड़े। SBI ने कम वोटिंग की बात को खारिज किया है। SBI के रिसर्च के मुताबिक जो डेटा निकला है उससे यह पता चलता है कि दो चरणों को मिलाकर 2024 में करीब 20,70,00,000 वोट पड़े, जबकि 2019 में करीब 20,60,00,000 वोट पड़े थे। SBI के मुताबिक 2019 के मुकाबले 8,70,000 वोट से ज्यादा पड़े हैं, यानी SBI के मुताबिक ओवरऑल बढ़त 0.4% की। SBI के मुताबिक कितने वोट पड़े ये वोटिंग प्रतिशत से नहीं बल्कि कितने लोगों ने वोट डाला उनकी सही संख्या से पता चलता है। रिसर्च के मुताबिक दो चरणों में जिन सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें से 60% सीटों पर या तो मतदान बढ़ा है या फिर पिछली बार जैसा ही रहा। SBI के रिसर्च के मुताबिक अब तक की वोटिंग में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है, जो 8,70,000 वोट ज्यादा पड़े हैं। उसमें 5,70,000 महिला वोटर थी और 3,00,000 पुरुष वोटर। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है भाई, SBI ये कह रहा है कि मान लीजिए पिछली बार 10 लोग वोट कर रहे थे, मतलब 10 वोटर थे और उनमें से 60% 70% वोट डालने आए, तो 7 लोग वोट डालने आए। लेकिन इस बार अगर मान के चलिए कि 20 लोग हैं जो मतदाता सूची में जुड़ गए हैं, नया वोटर जुड़ता है ना भाई, तो टोटल वोटर अगर 20 है और उसका 60% अगर वोट डालने आया है तो भैया इसका मतलब कि 12 लोग वोट डालने आए। तो वही SBI कह रहा है कि वोटिंग प्रतिशत से नहीं, कितने ज्यादा वोटर वोट डालने आए हैं यह भी आपको देखना होगा। तीसरे चरण की VIP सीटों पर दिन भर क्या माहौल रहा, क्या मुद्दा रहा, क्लोज फाइट वाली सीटें कौन सी रही, हमारे रिपोर्टर दिन भर ग्राउंड पर घूमते रहे। अब उनसे भी सीधे बात करते हैं। यूपी की बदायूं सीट से पुलकित नागर हमारे साथ हैं, संबल सीट से अभिषेक राज हमारे साथ हैं, गांधीनगर सीट से हितेन हमारे सहयोगी, भोपाल से मकरंद काले और बंगाल की मुर्शिदाबाद सीट से पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले गुजरात चलते हैं। गांधीनगर सीट की वोटिंग को आज दिन भर हमारे सहयोगी हितेन ने कवर किया। हितेन, जरा ग्राउंड पर क्या माहौल था, जनता किन मुद्दों पर वोट डाल रही थी बताइए। बिल्कुल, देखिए गांधीनगर की अगर हम बात करें तो 2019 में जब गांधीनगर में मतदान हुआ था तो कुल मतदान 65% से अधिक था। वही अब तक गुजरात में 25 सीट पर जो मतदान हुआ है उसका फाइनल फिगर आया नहीं है। CEO का कहना है कि करीब रात 12 बज जाएंगे गुजरात की 25 सीटों पर मतदान का फाइनल आंकड़ा आते आते, लेकिन 5 बजे तक की बात करें तो गृहमंत्री अमित शाह की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 55 पॉइंट
65% मतदान हुआ है, जो पिछले मुकाबले के बराबर अगर हम देखें तो करीब 10% वोट जो है इस बार काफी कम हुआ है। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह के लिए आज दिन भर लोग भर भर कर वोट देने के लिए निकले हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे गृहमंत्री अमित शाह, और वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन उसके पहले एक बार चलते हैं पुलकित नागर के पास, जो यूपी की बदायूं सीट पर आज दिन भर वोटिंग पैटर्न क्या रहा, लोग क्या कह रहे हैं, इसको कवर कर रहे थे। और ये बदायूं सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। पुलकित, जरा आप बताइए बदायूं सीट पर जो आपने दिन भर देखा उसका निचोड़ क्या है, क्या लग रहा है वहां? देखिए, बदायूं को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है और उसकी वजह भी यही है कि यहाँ एम वाई समीकरण बहुत ज्यादा चलता था, लेकिन 2019 में बीजेपी यहां से चुनाव जीत पाई और संगमित्रा मौर्य यहां से सांसद बनी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने टिकट बदल दिया, और जब टिकट बदला तो वो तस्वीरें सबने देखी कि जब योगी आदित्यनाथ मंच पर थे तो संगमित्रा मौर्य पीछे रोती हुई नजर आई थी। जहां बीजेपी ने टिकट बदला वहीं समाजवादी पार्टी ने भी टिकट बदला। पहले धर्मेंद्र यादव यहां से सांसद हुआ करते थे 2019 से पहले, उसके बाद अब धर्मेंद्र यादव का टिकट काट कर ये चर्चा चली कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को ये टिकट मिल रहा है, नाम का अनाउंस भी किया गया और उसके बाद में आदित्य यादव को ये टिकट दे दिया गया। तो बीजेपी टक्कर में है, समाजवादी पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उनका एक वक्त में ये गढ़ हुआ करता था। वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, करीब करीब 4% वोट कम हुआ है, 54% के करीब वोट प्रतिशत रहा है शाम 6 बजे तक का। और समाजवादी पार्टी लगातार पूरे दिन ट्विटर के माध्यम से ये शिकायत करती रही कि जगह जगह वोटिंग को रोका जा रहा है, स्लो किया जा रहा है। ये शिकायत समाजवादी पार्टी आज पूरे दिन करती रही, उसका बाद में असर भी ये दिखाई दिया कि वोटिंग प्रतिशत कम हुआ। जो यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर फाइट जो है वो देखने को मिलेगी, ये हम मानकर चल सकते हैं। मुर्शिदाबाद से पूजा मेहता हमारे साथ हैं। पूजा, आज बंगाल में बड़ा बवाल, बमबाजी, सब कुछ हुआ है, वहां से आपके पास क्या रिपोर्ट है, क्या लग रहा है वहां पर, जो 4 सीटें थी वहां क्या माहौल है? पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर आज तीसरे चरण में मतदान किया गया। आपको बता दें ये 4 सीटें हैं, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण। और हमने जो आंकड़े देखे हैं, जो दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से, उसे कहा जा रहा है कि एवरेज वोटिंग 5 बजे तक हुई है 73%। लेकिन अगर एक सीट है जहां पर बंपर वोटिंग हुई है वो है मुर्शिदाबाद, और हम मुर्शिदाबाद में फिलहाल मौजूद है। सुबह से हमने देखा किस तरह से छुटपुट हिंसा की खबरें सामने आती रही। यहां पर जो सीपीएम के कैंडिडेट है मोहम्मद सलीम, जिनको कांग्रेस का समर्थन मिला है, इंडी अलायंस के तहत जो है उनका गठबंधन हुआ है, वो अलग अलग जगह पर पहुंचे थे जहां पर उन्होंने आईडेंटिटी, वो भी हमने तस्वीरें दिखाई कि वहां क्या हुआ था। मकरंद काले के पास एक बार जल्दी से चलते हैं। मकरंद, भोपाल का हाल बताइए जरा। यूं तो भोपाल बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है, लेकिन मुकाबला फिर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा है। पहले से भी यहां पर कांग्रेस और बीजेपी बायपोलर सिस्टम ही रहा है। जहां तक लोकसभा सीट की बात है, सुरक्षित सीट है। आलोक शर्मा यहां पर, जो कि पूर्व में मेयर रहे हैं भोपाल के और उससे पहले पार्षद से उन्होंने शुरुआत की, बीजेपी के अलग अलग पदों पर रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, वो मैदान में है। शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं, उनके सामने है एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव। कांग्रेस के लिए यहां के लिए नया नाम है, लेकिन कोशिश पूरी की है उन्होंने कि टक्कर दे सके, लेकिन बीजेपी का गढ़ माना जाता है भोपाल को, और इसीलिए यहां पर आलोक शर्मा की, यानी यहां पर अभी भी ये मान रहे हैं आप कि भोपाल में बीजेपी मजबूत दिख रही है। आप सभी सहयोगियों का के लिए कि क्या माहौल आज दिन भर रहा। पाठशाला में अब अगली क्लास, मुसलमानों पर पीएम मोदी ने पहली बार जो कहा उसका सच क्या निकला, मोदी और मुसलमान पर वो चैप्टर जो एजेंडाधारियों की नींद उड़ा देगा। कल पाठशाला में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने मुसलमानों को पहली बार ऐसी बात कही जो अब तक उन्होंने नहीं कही। उन्होंने मुस्लिम परिवारों से मंथन करने को कहा। बॉस, कभी तो सोचिए, जिन लोगों ने मुसलमानों को पिछले 70 साल में सिर्फ वोट बैंक समझा, उन लोगों ने आखिर 70 साल में मुसलमानों के लिए किया क्या? यह प्रधानमंत्री ने सोचने के लिए बोला मुसलमानों को। और ये सब देखकर भी मुसलमान ये क्यों ये सोचकर अपना और अपने बच्चों का भविष्य खराब करता है कि सत्ता में वही बैठाएंगे और सत्ता से वही हटाएंगे। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पाठशाला में मुसलमानों से पहली बार जो बड़ी बात कही थी वो सुनवाता हूं, और फिर मोदी और मुसलमानों का वो तर्क खोलूंगा
जो आज एजेंडाधारियों की नींद उड़ा देगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी किसी योजना में हिंदू मुसलमान हुआ, घर मिलना है गरीब को मिलना है, वो गरीब कोई भी हो सकता है। लेकिन 2002 से आज 2024 हो गया, हम और आप किसी सामान को खरीदने जाएंगे तो 2-3 साल के बाद शायद नहीं खरीदेंगे, कुछ नया ट्राई कर लेंगे। 22 साल से यही नैरेटिव, कैसे मुसलमान बार बार खरीद ले रहा है या मान ले रहा है कि मोदी आएंगे तो मुसलमान को ख़त्म कर देंगे। मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूँ, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूँ कि आत्ममंथन करिए, सोचिए, देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या? आत्ममंथन कीजिए और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अपने बच्चों का भविष्य आप खराब कर रहे हैं सिर्फ इस चक्कर में कि हम किसी को सत्ता में बैठा रहे हैं उतार रहे हैं, ये पावर हमारे पास है, ये सोच आप रख रहे हैं। लेकिन आपके साथ हो क्या रहा है ये कब देखिएगा। पीएम मोदी कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि जिन लोगों ने मुसलमानों के भर भर के वोट लिए उन लोगों के यहां मुसलमानों की हालत किसी से छुपी नहीं। मैं आज आपको दिखाता हूं प्रधानमंत्री जो मुसलमानों से कह रहे हैं कि मंथन आत्ममंथन कीजिए, वो मुसलमानों को क्यों करना चाहिए। जैसे आप देखिए कि बिहार में मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा बनते हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन बिहार में मुसलमानों की हालत क्या आपको पता है? कोई पूछे लालू यादव से कि भाई हमने आपको इतना भर भर के वोट दिया, MY समीकरण यही चलता था ना बिहार में मुसलमान की हालत क्या है? ये मुसलमान कब आत्ममंथन करेगा कि जिसको वोट दिया उसने हमको पलट के क्या दिया? इनकी आबादी कितनी है? मुसलमानों की आबादी बिहार के अंदर करीब 17.7% है और मुसलमान गरीब कितना है? गरीब और पिछड़ा मुसलमान बता रहा हूं, सारे धर्मों का नहीं बता रहा, सिर्फ गरीब और पिछड़ा मुसलमान। इस आबादी का 73% मुसलमान जो है वो गरीब और पिछड़ा है बॉस। यही बात तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 10 साल, अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल, ये 15 साल निकाल दो, उसके बाद पूछो कि देश में मुसलमानों के साथ जो आज हालत है, जो मुसलमान आज भी गरीब है पिछड़ा है, वो किसकी वजह से है? सरकारी नौकरी में मुसलमान बिहार में कितना है आपको पता है? सरकारी नौकरी के अंदर मुसलमान बिहार के अंदर 1% भी नहीं है वो बॉस, 0.7% पर है। सबसे कम ग्रेजुएट मुसलमान है, सिर्फ ग्रेजुएट कितने हैं मुसलमान? मात्र 14% मुस्लिम यूथ जो है वो ग्रेजुएट है बॉस। ये उस बिहार का बता रहा हूं जहां लालू यादव एंड उनका पूरा कुनबा जो है वो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बताता है। सोचिए आप, ये उस राज्य में मुसलमानों का हाल है जहां एक तरह से एक तरफा वोटिंग लालू की पार्टी या उनके गठबंधन को होती रही है। मोदी आ जाएंगे, मोदी खा जाएंगे, मोदी खत्म कर देंगे, यही चले जा रहा है। और ये किसी को नहीं दिख रहा कि हमारा बच्चा आज भी गरीब बैठा है, ग्रेजुएट नहीं हो पा रहा। कौआ कान ले गया, सालों से कौए के पीछे भाग रहे हो, कभी तो कान देखोगे बॉस। यही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि चेक तो कर लो कि है कि नहीं कान, सालों से कौए के पीछे भाग रहे हो कि ये आएंगे और हमको खत्म कर देंगे। आपको बिहार में मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न बताता हूं, ये बिहार में मुसलमानों का हाल है और जरा बिहार के अंदर वोटिंग पैटर्न देखिए कि कैसे मुसलमान जो है वो उन लोगों को भर भर के वोट करता रहा जिन्होंने मुसलमान को इस हालत में बिहार में छोड़ा है। लोकसभा चुनाव 2019 का लोकसभा चुनाव का आंकड़ा खाली आपको बता देता हूं, यहां जो महागठबंधन है उसको जो मुस्लिम वोटर है उसने कितना वोट किया आपको पता है? 70% मुस्लिम वोट पड़ा था महागठबंधन को, 70%। और 2020 के विधानसभा चुनाव में 77% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट किया, 77%।
क्या मिला? गरीब और पिछड़ा मुसलमान 73%, 14% ग्रेजुएट, सरकारी नौकरी में 1% भी मुसलमान नहीं। यह है सच्चाई। एक तरफा वोट तो ले लिया लेकिन मुसलमानों के लिए किया कुछ नहीं, कुछ झुंझुना थमा दिया सो अलग। फिर भी जब चुनाव आता है तो वोट के चक्कर में मुसलमानों से इतना प्यार दिखाया जाता है कि लालू यादव जैसे नेता कहने लगते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। सुनिए लालू यादव ने क्या कहा। कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन का मिलना चाहिए मुसलमानों को। आज तक हालत सुधार नहीं पाए लेकिन रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसी बात का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोध करते हैं कि जब संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है तो फिर धर्म के आधार पर आरक्षण की बात लोग करते क्यों हैं? सुनिए पीएम मोदी ने लालू यादव के बयान पर क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि चुनाव के टाइम पर मुसलमानों के लिए सब कुछ लुटा देने की बातें करने वालों ने असल में मुसलमानों के साथ क्या किया। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी एसटी ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीन कर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरह से मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वालों को बेनकाब कर रहे हैं तो इंडी गठबंधन वालों को इससे तगड़ी मिर्ची लग जाती। लेकिन सच यही है कि इस देश में मुस्लिम वोट बैंक बनाकर वोट तो लिया गया लेकिन मुसलमानों का क्या हाल रहा वो आपको हमने बिहार के आंकड़े दिखाकर बताए। इसी तरह से बंगाल के बारे में आपको बताता हूं। वहां पर भी दशकों से लेफ्ट का राज रहा, ममता बनर्जी का राज रहा, कांग्रेस का भी राज रहा शुरुआत, लेकिन बंगाल के मुसलमानों की हालत क्या है? बंगाल का हाल आप देखिए, बंगाल के अंदर मुसलमान कितना है जरा इसको देखिए। बिहार का आपको हाल बताया, अब बंगाल का हाल देखिए। बंगाल में मुसलमान 27%, बिहार से ज्यादा है, 27% आबादी है मुसलमानों। इसमें गरीब और पिछड़ा कितना है? बिहार में 73% था मुसलमान में, 80% मुसलमान पिछड़ा हुआ है, गरीब है। बंगाल में तो बीजेपी राज नहीं कर रही, वहां तो कोई नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे, कोई अटल बिहारी वाजपेयी नहीं पहुंचे, बीजेपी ने कभी वहां राज नहीं किया, तब मुसलमान कैसे पीछे रह गया अगर बीजेपी ही मुसलमान विरोधी है? सरकारी नौकरी में मुसलमान वहां कितना है? 7%, मात्र 7%। और अगर आप देखेंगे, ग्रेजुएट का आंकड़ा इसमें नहीं है, वो आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप इसमें देखिए बंगाल का वोटिंग पैटर्न कैसा रहा है। अगर आप बंगाल का वोटिंग पैटर्न देखिए, ये आपको दिखाया, यहां पर लालू ममता बनर्जी और लेफ्ट वगैरह कांग्रेस सब है। बंगाल में वोटिंग 2019 में अगर आप देखिएगा, टीएमसी को मुस्लिम वोट कितना पड़ा था? टीएमसी को वही 70% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया। और विधानसभा चुनाव में जब 2021 में वोट पड़ा टीएमसी के लिए, 75% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि उनकी 80% आबादी आज भी गरीब और पिछड़ा है। बॉस क्या कर रहे हो आप? ये तो बिहार और बंगाल की बात हुई, यही पैटर्न पूरे देश में दिखता है। अगर पूरे देश की बात करें तो मुसलमानों का वोट कांग्रेस को भर भर के मिलता रहा। कांग्रेस को 1996 के लोकसभा चुनाव में 48% मुसलमानों का वोट मिला, 1998 में 34%, 99 में 45% मुसलमानों ने वोट किया, 2004 में 34%, 9 में 37%, 2014 में 42% मुसलमानों ने वोट किया और 2019 में भी 39% मुसलमानों ने कांग्रेस के लिए वोट किया। यह सिर्फ आपको कांग्रेस का वोट बताया, इन्हीं चुनावों में उन क्षेत्रीय पार्टियों को भी बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट गया जो मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। इस देश में करीब 55 साल कांग्रेस का राज रहा लेकिन नरेंद्र मोदी के आने से पहले मुसलमानों की क्या दशा थी वो कोई बताता तो नहीं है? नरेंद्र मोदी के आने से पहले के करीब 67 साल में गरीब मुसलमानों की क्या हालत थी वो सभी एजेंडाधारियों को देखना चाहिए। भाई 75 साल आजादी के 10 ही साल नरेंद्र मोदी के है ना, 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी के भी मान लीजिए, बाकी 55-60 साल तो कांग्रेस रही जिसने भर भर के मुसलमानों का वोट लिया। लेकिन आप हालत देखिए,
अब आप देखिए देश में मुसलमान, जरा इसकी हालत देखिए, देश में मुसलमान की क्या हालत रही है, इसकी स्थिति देखिए। गरीब मुसलमानों के बैंक खाते, कितने? 66%। मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर, ये आपको कांग्रेस के राज का बता रहा हूं वर्सेस मोदी, अभी बताऊंगा राज भी के बाद भी 66% बैंक खाते खुल पाए थे 55-60 साल के राज के बाद भी। साक्षरता दर 50.7% मुसलमानों में, महिलाओं की बता रहा हूं, ये महिलाओं का बता रहा हूं। गरीब मुसलमानों के घरों में बिजली कितनी पहुंची थी? मात्र 50%। 55-60 साल राज किया कांग्रेस ने, भर भर के वोट लिया, लेकिन मुस्लिम घरों में बिजली 50% पहुंचा पाए। एलपीजी मुस्लिम घरों में कितना पहुंचाया? 1%। शौचालय कितने बनाए? शौचालय देखिए मात्र 31%। सरकारी नौकरी में मुसलमान, सरकारी नौकरी मात्र 4.5%। 4.5% ये मोदी के आने के पहले का बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी के आने के पहले। 55-60 साल में मुसलमानों को भर भर का वोट देने के बाद ये मिला। और जब नरेंद्र मोदी का वोट डरा कर ले भी लेते हैं, उसके बाद भी स्थिति क्या है, क्या चेंज आया, जरा इसको भी तो देखिए। पिछले 67 सालों में सिर्फ 4.5% मुसलमान सरकारी नौकरी में थे, लेकिन बीते 10 साल में यह आंकड़ा बढ़कर आपको पता है कितना हो गया है? 10.5% 10.5% हो गया, यानी डबल। 55-60 साल में 4.5% मुसलमान सरकारी नौकरी में, मोदी के 10 साल में यह डबल से ज्यादा बढ़ गया, 10.5% हो गया। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि सरकारी योजनाओं के हिसाब से अगर आप देखें, जो घर मिले 2,31,00,000 घर बने, और इनमें से 31% आवास जो है वो मुसलमानों को मिले। किसान निधि की योजना, 33% लाभार्थी मुसलमान है। उज्ज्वला योजना के तहत 9,00,00,000 लोगों को गैस सिलेंडर दिया गया है। ये इस देश में हुआ है बॉस, यानी हर योजना का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है। कितने सालों तक भर भर के वोट दिया, क्या हालत थी, अब 10 साल में क्या हुआ है वो भी देखिए। फिर भी नैरेटिव ये है कि देश में मुसलमान खतरे में। इसी वजह से पीएम मोदी ने मुसलमानों को आत्ममंथन करने की अपील की। सुनिए इस पर मुसलमान क्या सोचता है। यूसीसी, एनआरसीसी, ये तीन तलाक, इस सबसे आपको फर्क पड़ता है? से आपको तीन तलाक तो खैर नहीं होना चाहिए, एक ही नहीं होना चाहिए, जैसा भी एक जैसा करना चाहिए, पर बस ये है कि बस महंगाई खत्म कर दो, हम इस पे जानते हैं। विकास, महंगाई कम होना चाहिए, ओ विकास अच्छा हो रहा। ट्रिपल तलाक, यूसीसी, इस तरह के अच्छा करा है, किसी सरकार ने नहीं सोचा इस बारे में। बहुत अच्छा करा है, किसी सरकार ने नहीं सोचा लेडीजों के बारे में, इतना मुस्लिम बहनों के लिए। रोजगार मिलना चाहिए सरकार, कोई भी आए धर्म खाने को थोड़ी ना देता, रोजगार देता है खाने को। सबसे मेन मुद्दा ये हिंदुस्तान से खत्म होना चाहिए हिंदू मुस्लिम का, वही मेरे लिए तो मेरी सोच से वही सबसे बड़ा मुद्दा है, बाकी मंदिर मस्जिद ये तो होते रहते हैं। मेन तो है रोजगार, रोजगार एक पहला मुद्दा है जो बिल्कुल भी नहीं है अभी। और मान लीजिए मुद्रास्फीति जो है उसके बारे में भी चर्चा होना चाहिए। हमने वोट डाला बेकारों को रोजगार मिलने के लिए, और देश में जो बेकारी रोज रोज बढ़ रहा है वो कम ना चाहिए।